नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Ace 3 Pro vs Infinix Note 40 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Ace 3 Pro में 6.43 इंच जबकि 40 Pro Plus 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Ace 3 Pro में 2.96 इंच जबकि 40 Pro Plus 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Ace 3 Pro से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Ace 3 Pro में 212 ग्राम जबकि 40 Pro Plus 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Ace 3 Pro में LTPO AMOLED कर्व डिस्प्ले जबकि 40 Pro Plus 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Ace 3 Pro में 1264x2780px FHD+ और 40 Pro Plus 5G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Ace 3 Pro में 90.29% जबकि 40 Pro Plus 5G में 89.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Ace 3 Pro में 450 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 40 Pro Plus 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Ace 3 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 40 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Ace 3 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 40 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Ace 3 Pro में Adreno 750 जबकि 40 Pro Plus 5G में IMG VXM82256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Ace 3 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 40 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 7020 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Ace 3 Pro में नहीं है जबकि 40 Pro Plus 5G में है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Ace 3 Pro में 6100 mAh जबकि 40 Pro Plus 5G में 4600 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Ace 3 Pro 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 37,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 40 Pro Plus 5G की तो वो 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 25,690 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus Ace 3 Pro में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करिए इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में एस 3 प्रो आगे है, मेन कैमरा में 40 प्रो प्लस 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में एस 3 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 65G है, दूसरा Vivo S19 5G है, तीसरा Vivo S19 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco F6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।